नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफी ज्यादा प्रमुख खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय व समायोजन से संबंधित है। खबर क्या है, पूरी चर्चाएं आगे विस्तार से वीडियो में करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है, जहां पर आप सभी अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख पा रहे होंगे। दरअसल इसी में दो ट्वीट्स हैं, जो कि पहला ट्वीट संदीप सिंह जी के द्वारा, यानी कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किया गया। इनके द्वारा लिखा गया कि शिक्षकों के प्रयास व डायट के सहयोग से प्रदेश का शिक्षा विभाग देश भर के लिए रोल मॉडल बन गया है। यानी कि यहाँ पर शिक्षकों की बात कही गई है। हालांकि यहाँ पर सरकार के द्वारा कभी कभी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को अलग किया जाता है। अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इन्हें मानदेय देना होता है, वेतन देना होता है, तो इन्हें ये अलग रखते हैं। लेकिन जब भर्ती की बात कही जाती है कि आप भर्ती निकालिए, तब वहां पर ये कहा जाता है कि अरे शिक्षा मित्र अनुदेशक भी तो शिक्षक ही हैं, उन्हें तब छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है, इनके द्वारा कहा गया कि शिक्षकों के द्वारा प्रदेश में अब बेसिक शिक्षा एक रोल मॉडल है, जहां पर आप देखें कि शिक्षा मित्रों को भी पूरा प्रशिक्षण उन्हें भी करना होता है, वही प्रशिक्षण जो शिक्षकों को है। जहां पर आप देख लें कि शिक्षा मित्र भी इसमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने में, जबकि वेतन के मामले में शिक्षकों के एक चौथाई भाग भी नहीं मिलता। यहीं पर अगर आप देखते हैं, आज सुबह ही एक मैंने वीडियो की क्लिप आपको दिखाई थी, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि लगभग 2 साल से शिक्षिकाएं उस विद्यालय में ही नहीं आ रही हैं, लेकिन लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा वो विद्यालय संभाला गया है, जहां पर 144 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी है। यानी कि एक शिक्षा मित्र केवल और केवल पूरे विद्यालय को संभाल रही है, जहां पर आप देखें कि शिक्षा मित्र पर 5 कक्षाएं हैं, जहां पर इसके बाद आप देख लें यहां पर शिक्षक शिक्षिका हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय शिक्षकों और शिक्षिकाओं से खाली है। इसको उसके बावजूद भी जो संविदा शिक्षक है उनके ऊपर भी पूरी बागडोर है, लेकिन वेतन की बात करें तो केवल और केवल 1/4 भाग ही दिया जाता है। आखिर सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वही शिक्षा मित्र उत्तराखंड के भी हैं। उत्तराखंड में सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि शिक्षा मित्रों को और बेहतर कार्य और बेहतर मानदेय कैसे दिया जाए। फिलहाल सरकार को इनसे सीख लेनी चाहिए। ये मॉडल अगर सरकार अपनाए तो शिक्षा मित्रों का भी जो जीवन है वो काफी ज्यादा सुखमय हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस पर आपकी राय क्या है, ये कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।